हार्डनेस भी रहती है और उसमें ऐसा लगता है जैसे चीटियाँ काटती हैं। और अभी हमने राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स भी बनाया है, जो कोई सीखना चाहे सीख सकता है। आज हमारे बीच ऑस्टियोपैथी में 20 साल से अधिक अनुभवी डॉक्टर गिरिराज पाराशर जी उपस्थित हैं। श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान जोधपुर में स्थित है। यहाँ माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, नी पेन आदि जैसे असंख्य बीमारियों का इलाज नाम मात्र शुल्क में किया जाता है। भारत की कई दिग्गज हस्तियों का भी इलाज इन्होंने किया है। डॉक्टर गिरिराज पाराशर जी को अब तक कई बड़े सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक ऑस्टियोपैथी के बारे में। स्वस्थ शरीर को ही मानव अस्तित्व की मूल आवश्यकता माना गया है। हमारे शरीर में हुई किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी पीड़ा भी हमारे अस्तित्व को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इसी पीड़ा की वजह से जो बेचैनी उत्पन्न होती है वो तो हमें कई बार वास्तविक पीड़ा से भी ज्यादा कष्ट देती है। भारत गौरव जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित स्वर्गीय डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर को इस चिकित्सा पद्धति के सिरमौर चिकित्सक के रूप में पूरी दुनिया में पहचान मिली। उन्हें देश दुनिया में एक ऐसे चिकित्सक के रूप में सम्मान मिला जो रोगियों के चलने की स्थिति को देखकर बता देते थे कि बीमारी क्या है। जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो पैरों में जाना चाहिए तो वो बिगड़ जाता है, तो रिटर्न सप्लाई नहीं मिलने से वेरिकोज बन जाती है, तो वेरिकोज का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन ऑस्टियोपैथी के बारे में हमें प्रोसेस भी मालूम नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑस्टियोपैथी का प्रोसेस ये है कि जैसे बोन का जो ओरिजिन और इंसर्शन होता है, पहले हम लोग उसको ट्रेस आउट करते हैं कि कौन सी मसल्स में कहाँ पे नोड्स बन रहा है, कहाँ ट्रिगर पॉइंट्स है उसका, फिर अगर पेन रेडिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम लोग पहले देखते हैं। फिर मैनिपुलेशन टेक्निक है, जैसे आप लिम्फ नोड रिलीज टेक्निक आपने सुना होगा, वो भी ऑस्टियोपैथी के अंदर ही आती है, तो उससे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। बेसिकली माइग्रेन दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो बोलते हैं वो होता है, और दूसरा होता है कोई भी चीज़ का आपको एलर्जी हो, जैसे आप कहीं धूप में गए आपको माइग्रेन हो गया, तो वो एक अलग सेगमेंट में आ जाता है। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है वो ऑस्टियोपैथी से ट्रीट किया जा सकता है। इंडिया में, हाँ इंडिया में अब स्टार्ट हुआ है इसका चलना, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया में पहले तो हमारा एक ही सेंटर था जो जोधपुर में है, और दूसरा हमारा दूसरा सेंटर जो मुंबई में है, लेकिन अब ऑस्टियोपैथ काफ़ी आने लग गए इंडिया में जो अमेरिका से करके आ रहे हैं। और अभी हमने राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स भी बनाया है, जो कोई सीखना चाहे सीख सकता है। और आचार्य आपने सुने होंगे रविशंकर जी जो महाराज हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में ऑस्टियोपैथी का नया कोर्स भी स्टार्ट किया। उन्होंने पैरालिसिस में क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे आपका राइट साइड ट्यूमर हुआ तो लेफ्ट साइड अफेक्ट करेगा, तो वो अपोजिट साइड में चलता है। अगर वही जैसे आपको स्ट्रोक आया ही है और 2 महीने के अंदर आप लाते हो पेशेंट को, तो ठीक होने के चांसेस 100% तक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिले होते हैं तो मसल्स के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं वो फिर उतना रिकवर होने के चांसेस कम हो जाता है उसमें। बेसिकली आर्थराइटिस में होता क्या है, अपनी जो कार्टिलेज होती है वो ड्राई होना स्टार्ट होती है, कंप्लीट ड्राई नहीं होती है, ड्राई होना स्टार्ट होती है, तो अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस उसी को बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, हमारी एक टेक्निक है नी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, तो उससे करेंगे तो आपका जो लुब्रिकेशन होता है वो जॉइंट्स के बीच में ही होता है, बस उसको वापस अपनी जगह पे ले जाना होता है, तो उस टेक्निक से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होता है। इट्स डिपेंड ऑफ द डिजीज, लाइक साइटिका है किसी को तो साइटिका मैक्सिमम 5 to 7 सिटिंग्स में ठीक हो जाती है, और जैसे नी का आर्थराइटिस जैसे मैम ने पूछा तो वो भी स्पेस कितना कम हुआ है, अगर लेटरल साइड में स्पेस कम है या मीडियल साइड में स्पेस कम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। तो मैक्सिमम अगर आप मानते हैं तो 10 सिटिंग्स मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। क्या ऑस्टियोपैथी करने से
किसका? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं, बट डिपेंड प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको, जैसे हाथ पैर में सूनापन आना है तो हाँ ले सकते हैं, उसको सीटिंग पोजीशन में बैठ के हम लोग मैनिपुलेशन दे सकते हैं, और या फिर साइड लाइंग में भी करके मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो उसके प्रेगनेंसी में हम लोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट। बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स चेस्ट बोल दीजिए या फिर पेरिफोर्मिस सिंड्रोम, मेन तो पेरिफोर्मिस मसल्स होती हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेच होता है वो हैमस्ट्रिंग और नीचे लेग्स तक जाता है। देखिए, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड में आ जाती है। रूमेटोइड और ऑस्टियो में यही एक अंतर है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जस्ट बोन में रहता है और रूमेटोइड जैसे ब्लड में आ गया। अब जो चीज़ ब्लड में आ गई है वो ठीक होना मुश्किल रहती है, बट आराम आ जाता है, लेकिन कंप्लीट जो जड़ से अपन चाहते हैं कि जड़ से निकल जाए वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, आप अपना खेलना स्टार्ट कर सकती हो वापस। देखो, रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में मसल्स तो रेस्ट हो गई, लेकिन वो पेन बना क्यों? ठीक है, उसका जड़ तक जाना ज़रूरी है। पेन बनने का कारण क्या होता है कि जैसे आप विदाउट स्ट्रेचिंग या विदाउट वार्म अप अगर आप खेलोगे तो ये सब दर्द तो आना ही है आपको। तो पहले अगर अपन वार्म अप कर लें प्रॉपर टाइम पे, जैसे खेलने से पहले 10 मिनट का या 5 मिनट का जो भी आप करना चाहें वो अगर कर लें, तो इस टाइप के पेन कभी बनते नहीं हैं। और इसमें ऐसी आशंका है कि क्या मुझे जल्दी आर्थराइटिस शुरू हो गया होगा, इसलिए मुझे पेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं देखना लूँ आपका, उससे पहले तो नहीं बता सकते ऐसा। इस चिकित्सा पद्धति में हमारा ध्यान बीमारी के सिर्फ लक्षणों पर ही नहीं बल्कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है, जिसे ओवरऑल हेल्थ कहते हैं, पॉजिटिव हेल्थ। तो इससे सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, इसके साथ साथ स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ में भी सुधार लाने के लिए ये चिकित्सा पद्धति काम में आती है। आपने हमें ऑस्टियोपैथी को डेली रूटीन में शामिल करके बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया है, और इसका एक अहम पहलू है हमारा खान पान, जिसका हमें बहुत ही विशेषता से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सही समय पर भोजन लेना, आहार में 7 रंगों की चीज़ों का समावेश, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम रिच चीज़ों का समावेश करना, यानी कि शांत चित्त से परिपूर्ण आहार लेना, इसका मतलब इसे माइंडफुल ईटिंग ही कहा जाता है। आज इस व्याख्यान के जरिए आपने हमें एक नई राह दिखाई है, इसलिए हम सभी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती आशिमा मल्होत्रा, जोनल प्रेसिडेंट कोणार्क आवा से निवेदन करना चाहूँगी कि वे मंच पर आए और डॉक्टर पराशर को इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए स्मृति चिन्ह भेज कर उन्हें सम्मानित करें।